गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पाठ 17 प्रकृति का संदेश की एक्सरसाइज के नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उनसे हमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर का गहराई, नंबर खा उमंग, नंबर गा धैर्य, नंबर घा संसार और नंबर इंगा नव। तो इन शब्दों से हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर का गहराई, सागर मन में गहराई लाने को कहता है। गहराई से हमने सेंटेंस बनाया, सागर समुद्र जो है वह हमें मन में गहराई लाने के लिए कहता है। नंबर खा उमंग, लहरें अपने मन में मृदुल उमंग भरने को कहती हैं। उमंग मीन्स होता है जोश, मृदुल उमंग मीन्स मीठा मीठा जोश भरने को लहरें जो हैं हमें हमसे कहती हैं। समुद्र की जो लहरें होती हैं वह हमसे कहती हैं हमें अपने मन में मृदुल उमंग भरना चाहिए, ठीक है। नंबर का धैर्य, पृथ्वी धैर्य नहीं छोड़ने को कहती है। पृथ्वी हमें संदेश देती है कि हमें चाहे परिस्थिति कोई भी हो, कितना भी हमें मुसीबत का समय हो, कोई भी हमारे सर पर भार हो, लेकिन हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में धैर्य को बनाए रखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, पृथ्वी धैर्य नहीं छोड़ने को कहती है। नंबर घ, संसार, आकाश सारे संसार को ढकने को कहता है। जो नभ है वह आकाश से वह हमें सारे संसार को ढकने के लिए कहता है। तो हमने यहाँ पे संसार से सेंटेंस बनाया, आकाश सारे संसार को ढकने को कहता है। नंबर इंगा नभ, नभ में भी वही है, नभ कहता है कि इतना फैलो जिससे सारा संसार ढक जाए। आकाश जो है वह हमें संदेश देता है कि हमें उसकी तरह फैलना चाहिए। आकाश जैसे सभी के ऊपर अपनी छत छाया बनाए रखता है, ऐसी हमें भी इतनी तरक्की करना चाहिए, इतना फैलना चाहिए जिससे सारे संसार को हम ढक लें। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बना दिए हैं ऑलरेडी। आप लोगों को समझना है और राइट करना है और लर्न करना है, ठीक है।